बच्चों तो आज शुरुआत हो रहा है मिशन जज्बा कंप्लीट आरडी शर्मा मैथमेटिक्स, लंबा चलेगा बट सब कुछ मिलेगा। लेक्चर नंबर वन, आज हम चर्चा करेंगे बहुत ही बढ़िया बात। आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है सेट थ्योरी, उसका आज पहला लेक्चर होगा। बहुत डिटेल से हम लोग को समझना है। आज का टारगेट क्या है? आज का टारगेट हम लोग का इंट्रोडक्शन, कुछ बात बताएं इसमें, ठीक है, सेट थ्योरी के बारे में और सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, सेट आखिर है क्या और उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, आज बहुत ही डिटेल में सीखेंगे और कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी करेंगे आरडी शर्मा का, ठीक है। यहां से देखो, पहले थोड़ा सा कोटेशन पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना मैथमेटिक्स को, आखिर मैथमेटिशियन क्या बोल रखे हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स इज द इंडिस्पेंसेबल इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑल फिजिकल रिसर्च। जानते कौन बोले? बर्थलेट। ये बर्थलेट एक प्रकार के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे मैथमेटिक्स के, और वो बोलते हैं कि मैथमेटिक्स जो है वो क्या है, इंडिस्पेंसेबल इंस्ट्रूमेंट है। इंडिस्पेंसेबल इंस्ट्रूमेंट कहने का मतलब हो गया बच्चा लोग, अति आवश्यक कोई एक इंस्ट्रूमेंट, औजार जो है सबसे अधिक जरूरत वाला औजार किसको माना है? मैथमेटिक्स को। किसमें? ऑल फिजिकल रिसर्च। कभी भी कोई भी फिजिकल रिसर्च किया जा रहा हो तो मैथमेटिक्स सबसे बढ़िया और सबसे ज्यादा यूज होने वाला औजार है। ये बर्थलेट बोलते हैं, ये बर्थलेट बोलते हैं किसके बारे में? मैथमेटिक्स के बारे में। तो ये आपका एक मैथमेटिक्स, शुरुआत करने से पहले एक मैथमेटिक्स के लिए स्लोगन जरूरी था, इसलिए हम बताने की कोशिश किए कि मैथमेटिक्स को क्या बताया गया है, सबसे बढ़िया सबसे ज्यादा यूज आने वाला इंस्ट्रूमेंट बताया गया है, बात समझ रहे हो। और ये बहुत महान मैथमेटिशियन थे अपने आप में, इसलिए ये थोड़ा सा दिमाग में रखो। अब हम शुरुआत कर रहे हैं बच्चा लोग, आज मिशन चचपा का पहला लेक्चर है जिसमें हम लोग को सेट थ्योरी को चर्चा करना है। तो चलो शुरुआत करते हैं और समझते हैं, एक एक बात को नोट करोगे, एक एक बात को समझोगे और देखना आज फील आ जाएगा, आज मजा आ जाएगा कि आखिर हम लोग सेट थ्योरी का सारा क्वेश्चन दूर कर दिए, सारा प्रॉब्लम्स दूर कर दिए, बात समझ गया। तो ये चीज थोड़ा सा देखोगे। चलो शुरुआत करते हैं एक बढ़िया सा इंट्रोडक्शन पार्ट और उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस को भी चर्चा करेंगे। थोड़ा सा अगर बात बताए बच्चा लोग, तो सेट थ्योरी एक अपने आप में एक ऐसा थ्योरी है जो मैथमेटिक्स का सबसे फंडामेंटल टर्मोलॉजी समझा जाता है। मतलब मैथमेटिक्स का सबसे फंडामेंटल टर्म अगर कोई है तो वो है सेट थ्योरी। इसीलिए 11th में आपका जो बताया जाता है वो डायरेक्ट 11th क्लास का है ये, और डायरेक्ट 11th क्लास में जो बताया जाता है वो सेट थ्योरी से ही शुरुआत किया जाता है। ये फंडामेंटल चीज है और ये जानते हो, ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो है वो ऑल ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स में काम करता है। चाहे ज्योमेट्री ले लो, ट्रिग्नोमेट्रिक ले लो, प्रोबेबिलिटी ले लो, बात समझ लो, सभी को डिफाइन करने के लिए, सभी को प्रूफ करने के लिए सेट थ्योरी का यूज होता है। तो सेट थ्योरी एक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो पूरे मैथमेटिक्स पर कब्जा बना के रखी है। चाहे कोई भी ब्रांच ले लो मैथमेटिक्स का, सभी पर तुम्हारा सेट थ्योरी देखने को मिल ही जाएगा, बात समझ आ गया। तो चलो हम लोग लिखना शुरुआत करते हैं बच्चा लोग कुछ कुछ इंट्रोडक्शन में ये मैथमेटिक्स का सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। तो इट इज, सेट थ्योरी क्या है? इट इज फंडामेंटल, थोड़ा लिखना भी शुरुआत करो, फंडामेंटल है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स का सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। और तुम कहोगे सर फंडामेंटल तो 1, 2, 3 होता है, अरे बच्चा लोग वो तो तुम सीख चुके हो, उसके बाद कुछ लॉजिकल चीज में अगर आ जाओ मैथमेटिक्स का तो उसमें से सबसे फंडामेंटल अगर कॉन्सेप्ट है तो वो तुम्हारा कौन है? सेट थ्योरी। तो इट इज फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, बात समझ में आ गया। अब इसका हम लोग जनरली यूज कहां करते हैं? तो इसका यूज जो करते हैं बच्चा लोग वो कहां करते हैं? तो बहुत, जैसे ज्योमेट्री हो गया,
है ना, मतलब ऑल ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स, डायरेक्ट लिख दो ना, ऑल ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स, ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का सभी ब्रांचेस में यूज होता है, चलो मैथमेटिक्स, ठीक है। ये सेट थ्योरी, अब सेट थ्योरी है क्या वो तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन पहले इसका इंपॉर्टेंस तो देख लो कि आखिर इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स, शुरुआत यहीं से तुम्हारा हो रहा है 11th क्लास का, ठीक है। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, इसका यूज जो होता है सभी ब्रांच में होता है मैथमेटिक्स का, चाहे कोई भी ब्रांच हो, किसी को भी प्रूफ करना हो, सेट का यूज किया जाता है जनरली, बात समझा। जानते हो बच्चा लोग इसको देने वाला कौन है, इसको देने वाला है जॉर्ज कॉन्टर, कौन है बच्चा लोग बताओ, जॉर्ज कॉन्टर। तो वो जॉर्ज कॉन्टर, ध्यान दोगे, जॉर्ज कॉन्टर, जॉर्ज कॉन्टर ये एक महान मैथमेटिशियन थे जो ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज को सॉल्व कर रहे थे, बात समझो, ये किसको सॉल्व कर रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज सॉल्व कर रहे थे, उसमें प्रॉब्लम हो गया, तब ये इंट्रोड्यूस कर दिए सेट थ्योरी। यही जॉर्ज कॉन्टर हैं जो सेट थ्योरी को इंट्रोड्यूस किए, सेट थ्योरी को इंट्रोड्यूस किए, मतलब यही जॉर्ज कॉन्टर जो हैं वो क्या किए, सेट थ्योरी को इंट्रोड्यूस किए बच्चा, ठीक है। और ये कब, तो टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम सॉल्व करते करते इनको लगा कि नहीं कुछ एक ऐसा थ्योरी आना चाहिए जिससे तुम्हारा इसका समाधान हो सके, और ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे, ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज को सॉल्व कर रहे थे, और वहां से तुम्हारा क्या निकाल के आ गया बताओ, सेट थ्योरी। तो ये तुम्हारा एक इंट्रोडक्शन पार्ट है बच्चा लोग, जो थोड़ा सा दिमाग में रखोगे कि ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है किसका, मैथमेटिक्स का, शुरुआत बिंदु यहीं से शुरुआत होगा। दूसरा बात तुमको दिमाग में ये रख लेना है, ये सभी ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स में काम करता है, सब ब्रांचेस में, किसी को भी अगर प्रूफ करना हो कोई भी चीज, ज्योमेट्री ले लो, तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक ले लो, तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ले लो, स्टैटिक्स ले लो, वगैरह वगैरह, सभी जगह तुम्हारा सेट थ्योरी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जनरली जो डिफाइन करने का कोशिश करता है, ये जनरली जो यूज होता है, डिफाइन होता है, वो रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन, हम बताएंगे बहुत डिटेल में रिलेशन और फंक्शन को, ठीक है। तो रिलेशन और फंक्शन जानते हो, बिना सेट थ्योरी को डिफाइन होगा ही नहीं। तो मैथमेटिक्स का एक सबसे बड़ा टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन, और वो डिफाइन करना है अगर, तो सेट थ्योरी आना ही चाहिए, बिना सेट थ्योरी का रिलेशन और फंक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में तुम इतना दिमाग में रख लो, इट इज योर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, इसका यूज प्रत्येक ब्रांच में है, मैथमेटिक्स का सभी ब्रांच में देखने को मिल जाता है, लेकिन डिफाइन करना है अगर यदि मैथमेटिक्स का एक छोटा सा ब्रांच, रिलेशन एंड फंक्शन, एक छोटा सा टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन, उसको अगर डिफाइन करना है तो सेट थ्योरी का यूज होता है। इसको देने वाला कौन है, जॉर्ज कॉन्टर, और कब दिया था ये, तो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलो या फिर सीरीज बोलो, ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज को सॉल्व कर रहे थे, उस समय एक नया कॉन्सेप्ट देने का प्रयास किया जिसका नाम क्या पड़ गया, सेट थ्योरी। अब ये इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया बच्चा लोग, अब कहानी यहां से ये शुरुआत होता है कि आखिर इसमें बताया क्या गया, आखिर सेट थ्योरी है क्या, हम लोग बात कर रहे हैं, बात समझ रहे हो, चलो हम लोग देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन बढ़िया से समझ रहा। देखो सेट को क्या बोला गया, सेट को बोला गया ये वेल डिफाइंड कलेक्शन, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। बात को समझो बच्चा बहुत अच्छे से, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए, कलेक्शन होना चाहिए कोई भी चीज का, ऑब्जेक्ट का, लेकिन वेल डिफाइंड होना चाहिए, मतलब फिक्स होना चाहिए कि ये होगा ही निश्चित, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को ही सेट कहोगे तुम, अगर वेल डिफाइंड वो नहीं है तो वो सेट नहीं होगा। कैसे, एग्जाम्पल से समझो, अगर हम बोले, ध्यान से समझना, हम दो एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, बढ़िया से समझना, अगर हम बोले गुड हॉकी प्लेयर,
इंडिया। एक हम कलेक्शन किए कि पूरा इंडिया में गुड हॉकी प्लेयर कौन है, या फिर जो होगा उसका एक गुट लाए, उसका कलेक्शन का बात करें। और दूसरा ऑल हॉकी प्लेयर इन इंडिया, ये दो स्टेटमेंट है बच्चा लोग, ध्यान से समझो। एक है गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया और दूसरा है ऑल हॉकी प्लेयर इन इंडिया। गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया और ऑल हॉकी प्लेयर इन इंडिया, ये दो तरह का कलेक्शन है। पूरा इंडिया में जो हॉकी प्लेयर है वो कितना है, ये बोल रहा है ऑल हॉकी प्लेयर इन इंडिया। पूरा इंडिया में हॉकी प्लेयर, गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया। अगर हम इसका बात करें बच्चा लोग, क्या ये पूरा डिफाइन है? जैसे मान लो कि अगर पूरा इंडिया में 50 हॉकी प्लेयर है, तो 50 हॉकी प्लेयर है तो ये तो कंप्लीटली डिफाइन हो गया कि नहीं भाई 50 हॉकी प्लेयर है। लेकिन ये 50 में से कौन गुड है और कौन बैड है, ये क्लियर कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। कुछ लोग के नजर में कुछ सही होगा तो दूसरा लोग का वही सही वाला आदमी कुछ गलत होगा, भाई सही नहीं होगा, गुड नहीं होगा, बैड होगा। अगर मेरे नजर में कोई सही है तो जरूरी नहीं है कि दूसरे के नजर में भी वो सही है, बात समझ रहे? तो ये जो तुम्हारा एक गुड हॉकी प्लेयर इंडिया, ये तुम्हारा एक प्रकार का क्या हो गया, ये तुम्हारा वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। ऑल हॉकी प्लेयर इन इंडिया, ये गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया वेल डिफाइंड नहीं है, लेकिन ऑल हॉकी प्लेयर इन इंडिया ये तो डिफाइंड है, ये 100% डिफाइंड है, ये वेल डिफाइंड है कि ऑल हॉकी प्लेयर इन इंडिया मतलब 50 है तो है, लेकिन 50 में से गुड कौन है बैड कौन है ये तुम बस 100% नहीं बता सकते हो। तो ये तुम्हारा गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया, ये तुम्हारा सेट नहीं होगा, नॉट ए सेट, नॉट ए सेट, ये सेट नहीं है, बट इट इज ए सेट, इट इज ये एक ऐसा कलेक्शन, एक ऐसा कलेक्शन बच्चा लोग ध्यान से समझो, एक ऐसा कलेक्शन जो क्या हो बताओ, जो क्या हो वेल डिफाइंड, 100% डिफाइंड हो कि ये होगा तो होगा। जैसे एग्जांपल और भी तुमको समझाते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करोगे, एग्जांपल और भी हम दिखाते हैं। जैसे अगर हम बोले नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर्स जो है ये वेल डिफाइंड हो गया बच्चा लोग कि नेचुरल नंबर ही मतलब 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, यही लेना है हमको, ये वेल डिफाइंड है, सो दिस वन इज सेट, समझ में आया। अगर हम बात करें इंटीजर्स, तो ये भी वेल डिफाइंड है भाई, -1, 0, +1 मतलब डॉट डॉट, नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो, तीनों नंबर है, दिस वन इज वेल डिफाइंड, सो दिस वन इज आल्सो ए सेट। अगर हम रेशनल नंबर का बात करें तो वो भी तुम्हारा एक प्रकार क्या हो गया, सेट, समझ पा रहे बात। अगर हम बात करें बच्चा लोग देखो चौथा, अगर हम बात करें कि नहीं मोस्ट टैलेंटेड पर्सन इन इंडिया, अब तुम खुद बताओ मोस्ट टैलेंटेड पर्सन, तो किसको तुम बता सकते हो, किसको तुम 100% कह सकते हो कि ये टैलेंट है कि नहीं है, अरे बात समझ रहे हो। तो मोस्ट टैलेंटेड पर्सन ऑफ इंडिया मतलब पर्सन इन इंडिया, ये वेल डिफाइंड, ये 100% बहुत ज्यादा सही नहीं है, कौन ज्यादा टैलेंटेड और कौन कम टैलेंटेड है, अरे बात समझा, और मोस्ट टैलेंटेड पर्सन इन इंडिया को तुम कलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सो दिस वन इज नॉट ये वेल डिफाइंड, बट दिस वन इज वेल डिफाइंड, समझ में आ गया बात। तो वेल डिफाइंड को ही हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं बच्चा लोग, कहानी समझ में आ गया, कहानी समझ रहे हो, बात को समझ में आ रहा है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल अगर ले लें, जैसे देखो अगर हम बात करें कि एक हम क्या करते हैं, एक कलेक्शन करते हैं, लेकिन कलेक्शन किसका ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 25,
कलेक्शन हम कर रहे हैं ऑल नेचुरल नंबर का लेस देन 25, तो कहां से शुरू होगा 1 2 3 4 डॉट डॉट और 24 तक होगा। तो ये तुम्हारा जो है बच्चा लोग, ये भी तुम्हारा क्या हो गया, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। तो ये जो वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया उसको हम क्या कहेंगे बताओ, क्या कहेंगे, सेट। जब भी कभी मैथमेटिक्स में कहीं पर भी वेल डिफाइंड कलेक्शन का बात करें तो ऑलवेज वो क्या कहलाता है बताओ, सेट। कहानी समझ में आया, जो वेल डिफाइंड नहीं हो उसको हम सेट नहीं कहेंगे। जल्दी ये बात को छाप लो बच्चा लोग, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हो गया, हो गया, ठीक है। यहां से थोड़ा सा समझ, ठीक है। वेल डिफाइंड जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, सेट, और जो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा उसको हम सेट नहीं कहेंगे। कैसे, अगर यदि एक आध एग्जांपल और लेना चाहो तो देखो, जैसे अगर हम बोलें कि मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, तो इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे डेंजरस एनिमल का नाम बताओ, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, बहुत सारा है, और तुम किसी को नहीं कलेक्ट कर सकते कि तुम्हारा ये मोस्ट डेंजरस है, रियलेस्ट डेंजरस है। दिस इज नॉट ये सेट, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं। बात समझा, मोस्ट टैलेंटेड पर्सन, मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। तो ये सब जो तुम्हारा टर्म है ना, वेरी गुड टीचर इन इंडिया, वेरी गुड टीचर इन इंडिया, तो कौन बहुत अच्छा टीचर है ये तुम आकलन नहीं कर सकते। बात समझा, ये तुम डिफाइन नहीं कर सकते हो, कौन ज्यादा बहुत अच्छा है, कौन बहुत खराब है, ऐसे नहीं कर सकते, समझ रहे हो। तो ये जो तुम्हारा कहानी है, ये तुम्हारा क्या हो गया, नॉट ए सेट, ये सेट नहीं हुआ। सेट किसको कहेंगे, जो वेल डिफाइंड होगा उसको सेट कहेंगे। चलो ठीक है, अब यहां से हम कहानी सुनाते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिक्स में ही अगर हम बात करें तो कुछ कहानियां सुनाते हैं। सेट तुमको पता चल गया है कि सेट क्या होना चाहिए बताओ, कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होना चाहिए, उसी को हम क्या कहेंगे बताओ, सेट कहेंगे, ठीक है। अब यहां से बात करो बच्चा लोग कि सेट जो हुआ वो वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ, सेट जो हुआ वो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हुआ, इसमें कोई शक नहीं। हम लोग क्वेश्चंस और बहुत रिलेटेड बनाएंगे, आरडी शर्मा का क्वेश्चंस बनाएंगे, बस ये सिर्फ टॉपिक को अभी समझ के रखने की कोशिश करना, ठीक है। यहां से समझो, सेट में अब हम लोग सेट जो रिप्रेजेंट करेंगे, सेट को, कोई भी सेट को रिप्रेजेंट करेंगे वो कैपिटल लेटर से करेंगे। जनरली क्या करेंगे बच्चा लोग, एक सेट को जो रिप्रेजेंट करेंगे ऑलवेज कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। कैपिटल लेटर से, जैसे तुम्हारा क्या हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, मतलब ये कैपिटल लेटर से हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, और उसमें जो प्रेजेंट है उस ग्रुप में, उस कलेक्शन में जो प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं, बात को समझो, उसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं, एलिमेंट बोलेंगे या फिर मेंबर बोलेंगे, एलिमेंट्स बोलेंगे, मेंबर बोलेंगे या फिर और भी कुछ बोलेंगे। तो ये सब जो हम लोग चीज बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं इसमें, ठीक है। एलिमेंट्स बोलो, मेंबर बोलो, इसको जनरली जो रिप्रेजेंट करते हैं वो स्मॉल लेटर से, स्मॉल लेटर से, जैसे तुम्हारा क्या हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई टी। मतलब एक सेट है, तो सेट तुम्हारा तो एक कलेक्शन है ना, तो कलेक्शन जो अंदर में रहेगा, जितना लोग रहेंगे, जितना चीज रहेगा, उसको हम लोग स्मॉल लेटर से या फिर रिप्रेजेंट करेंगे, और उसको क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे, एलिमेंट ऑफ सेट, एलिमेंट ऑफ सेट, मतलब वो तुम्हारा एलिमेंट है। जैसे अगर एग्जांपल फिर से बताएं, जैसे एग्जांपल अगर हम बताएं, एक एग्जांपल कि नेचुरल नंबर, एक सेट बना रहे नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर लेस देन हो, चार से कम होना चाहिए नेचुरल नंबर, एक सेट बनाओ, तो सेट जो तुम बनाओगे ए वो क्या बनेगा थोड़ा बताओ, तो नेचुरल नंबर चार से कम, तो क्या होना चाहिए 1 2 3 4 से कम,
तो 4-3 हो जाए। तो ये जो तुम्हारा आया, ये तुम्हारा जो आया, बात को समझो, ये एलिमेंट का आएगा, ये भी एलिमेंट एलिमेंट एलिमेंट, मेंबर मेंबर मेंबर, और ये तुम्हारा सेल। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग स्मॉल लेटर ए बी सी दे रहे हो स्मॉल लेटर से, और ये तुम्हारा क्या रिप्रेजेंट होगा बताओ, कैपिटल लेटर से। कहानी समझ में आए? ठीक है, सेट में, सेट को हम जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से, और सेट का जो एलिमेंट है उसको हम लोग जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका उसका छोटा एबीसी। अरे बात समझा, बात समझ गया, चलो ठीक है। अब यहां से एक टर्म हम लोग निकल के आ जाता है, बात को समझना, और वो टर्म को जानना बहुत जरूरी है। बेटा नहीं सर, कहानी समझ में आ रहा है? एक तुम्हारा सेट हो गया, और सेट में जो प्रेजेंट है उसका क्या कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है, या फिर क्या कहलाता है, मेंबर कहलाता है। समझ में आया बात? चलो ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चा लोग, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो थोड़ा सा इसको हम मिटा दे रहे हैं। बढ़िया से समझना, बढ़िया से समझना, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करना है। ठीक है, सेट आखिर क्या है, उससे क्वेश्चन से रिलेटेड बनाएंगे आज, और समझने का कोशिश करेंगे। देखो देखो, अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में प्रेजेंट है, मान लो एक एलिमेंट है, मतलब एक सेट है ए, जिसमें से तुम्हारा ए बी सी डी ऐसे तुम्हारा प्रेजेंट है, उसका एलिमेंट है, समझ रहे? एक कलेक्शन ले लिए हम लोग, जिसमें कौन प्रेजेंट है बताओ, जिसमें कौन प्रेजेंट है, ए बी सी डी, मतलब ए जो है वो इसमें है, सेट ए में तुम्हारा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि ए बिलोंग टू, बिलोंग्स टू स्मॉल ए, ए जो एलिमेंट है वो किसमें बिलोंग कर रहा है, इसमें बिलोंग कर रहा है बी, इसको भी ले सकते हो बिलोंग्स टू ए, सी, सी भी तुम्हारा क्या कर रहा है बताओ, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू ए, डी, डी भी किससे बिलोंग कर रहा है, बिलोंग करने का मतलब जिसमें है वो, है ना, बिलोंग्स टू ए, मतलब ये वर्ड का मतलब समझ रहा है। अगर एक एलिमेंट किसी सेट का है तो उसको हम कह सकते हैं ए इससे बिलोंग कर रहा है भाई, जो स्मॉल ए है उससे बिलोंग कर रहा है, बी जो तुम्हारा ए से बिलोंग कर रहा है कैपिटल में, तो इसी सेट का है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए बिलोंग टू ए, बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए, सी बिलोंग्स टू ए, और डी बिलोंग्स टू ए। ये बिलोंग्स टू जो वर्ड आ रहा है बार बार, इसको हम लोग मैथमेटिकल भाषा में, मतलब मैथमेटिक्स में, एक जर्मन लेटर से तुम्हारा क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और वो जर्मन लेटर क्या है, ये बिलोंग्स टू को हम लोग जर्मन लेटर इप्सिलॉन कहते हैं, इप्सिलॉन, है ना, इप्सिलॉन बोलते हैं इसको, वैसे दिमाग में रखो, दिस वन इज इप्सिलॉन, ठीक है, लेकिन इसको इप्सिलॉन नहीं पढ़ेंगे अब क्या डायरेक्ट पढ़ेंगे, बिलोंग्स टू। तो जनरली आप क्या लिखेंगे, ए बिलोंग्स टू ए, समझ में आया, इसको ऐसे पढ़ना है, ए बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब ए जो है छोटा ए वो एलिमेंट है किसका, ये सेट ए का। अगर कहीं लिखने आ जाए बी बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब कि बी भी जो है वो एलिमेंट है किसका, सेट ए का। इसमें तुम देखो सी बिलोंग्स टू ए, उसी तरह से डी बिलोंग्स टू ए, बात समझ रहे हो, ये कहानी जो बन रहा है, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए, सी बिलोंग्स टू ए, डी बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब कि ए बी सी डी सारा क्या है, एलिमेंट है किसका, सेट ए का। कार्य समझ में आया, कार्य समझ में आया, बिल्कुल क्लियर है? तो ये एक बार एक थोड़ा सा क्या करोगे, ठीक है, कुछ टर्मोलॉजी तुमको देखने को मिलेगा, उसका मतलब क्या समझोगे। देखो कुछ टर्म्स है, अगर कैपिटल एन दिखेगा तो समझ जाना कि द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, जो नेचुरल नंबर का सेट है बच्चा लोग, ऑल नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब क्या हो गया, 1 2 3, जो 1 से शुरू होता हो और अनंत दूरी तक जाता हो, ये पूरे सेट तक हम लोग क्या कहेंगे बताओ, नेचुरल नंबर का सेट कहेंगे। कैपिटल एन कहीं भी दिखा दिखेगा समझ जाना नेचुरल नंबर से बोल रहा है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए ध्यान देना। नेक्स्ट, तुम्हारा आर कहीं अगर दिख जाए तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चा लोग बताओ, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, है ना, ऑल रियल नंबर। रियल नंबर किसको बोलते हैं, कि रूट,
रूट में नेगेटिव नहीं आए, बस ऑल पॉजिटिव वैल्यू अंडर रूट, है ना, उसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं। बात समझ आ रहा है? रियल नंबर जिसको स्क्वायर करने पर, दूसरी भाषा से समझो, रियल नंबर किसको बोलते हैं, जिसका स्क्वायर करने पर ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू दे, उसको रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, बस ऐसे समझ लो। ठीक है, तो ये आर पॉजिटिव कहने का मतलब कि पॉजिटिव रियल वैल्यू, नेगेटिव रियल वैल्यू, रेशनल वगैरह वगैरह सब आता है उसी में, है ना। तो आर पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव रियल वैल्यू का सेट, द सेट, सेट लिखा गया सेट, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, यहां से देख लो, जेड तुम्हारा क्या है, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इंटीजर्स कहां से कहां शुरू होता है, रियल नंबर मतलब सब कुछ आ जाता है इसी में, है ना। इंटीजर कहां से कहां, तो नेगेटिव होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, बाकी तुम जानते हो। ठीक है, z प्लस, तो ये पॉजिटिव इंटीजर, अरे नेगेटिव, माइनस वन, जीरो, प्लस वन। ठीक है, और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, सिर्फ होल नंबर में रहना चाहिए, और ये तुम्हारा होल नंबर मतलब समझ रहे हो, ये नेचुरल नंबर नेगेटिव, नेचुरल नंबर पॉजिटिव और जीरो, ऐसे समझ लो, तो समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहां से मतलब जस्ट लाइक होल। अब यहां से तुम्हारा क्या हो गया, z प्लस तुम्हारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। क्यों तुम्हारा क्या बताओ, रेशनल नंबर का अगर सेट होगा तो उसको हम लोग क्यों कहते हैं, क्यों पॉजिटिव, क्यों नेगेटिव, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर, जेड माइनस मतलब नेगेटिव इंटीजर्स, और माइनस आर का मतलब, आर माइनस का मतलब क्या, नेगेटिव रियल नंबर का सेट। तो ये तुमको जो टर्मोलॉजी कहीं दिखे जाएगा ना, तो इसको तुम दिमाग में रखोगे, बात समझ में आया, इसको तुम बहुत अच्छे से दिमाग में रखना। चलो ठीक है, तो